नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश, उनके बेटे हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, नजरबंद उनको कर लिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि TDP नेता की हत्या के खिलाफ वो प्रदर्शन करने वाले थे, प्रदर्शन करते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने नायडू और उनके बेटे को घर से निकलने से रोक दिया है। हाउस अरेस्ट के विरोध में नायडू ने भूख हड़ताल का अब ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की भूख हड़ताल यहां पर रहने वाली है, इसका ऐलान किया गया है। वहीं प्रशासन ने चंद्रबाबू नायडू के कई समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही उनके समर्थकों को ये जानकारी मिली कि उनके जो TDP प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को हाउस अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद से ही समर्थकों का जो हुजूम है वो उनके घर की ओर रुख करने लगा। लेकिन इस बीच इस तरह की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें बाहर ही रोक लिया है। और भी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आती रहेंगी, आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।